मैं डॉक्टर उदय सिंह रसवान, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। आज का वीडियो इज जस्ट टू टेल कि भाई स्पाइन की जो कॉमन पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें कमर में दर्द होती है, टांगों में दर्द होती है, तो उनके लिए क्या टिप्स होते हैं। तो फर्स्ट एडवाइस इज कि अगर आपकी कमर में दर्द है तो आपको बेंड नहीं करना है, नीचे नहीं बैठना है, भारी वजन नहीं उठाना है। राइट टाइम पे एडवाइस लेके एक्सरेज या MRI द्वारा अपने बीमारी का जानकारी लीजिए और क्या फिजियोथेरेपी, क्या एक्सरसाइजेस करनी है इनके बारे में भी जानिए। आउट ऑफ 100 पेशेंट्स 90 पेशेंट्स रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू ऑल द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या ऑल टू द एक्सरसाइजेस, एंड देर आर ओनली 5-10% पेशेंट जिनमें कोई इंटरवेंशन करने पड़ती है, जैसे कोई इंजेक्शन लगाना पड़ता है या उनको मेडिकेशंस प्रोलॉन्ग चाहिए या कोई ऑपरेशन करना पड़ता है। सीरियस फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स जो हम मानते हैं वो ये हैं कि किसी को चलने में प्रॉब्लम आ रही है या टांगों में दर्द आ रही है, टांगों में सुनपना आ रहा है या झुनझुन हो रहा है पैरों में, तो ये सब रेड फ्लैग्स हैं। इनका साइन होता है कि या तो नस कहीं दबरी है या नसों में कहीं प्रॉब्लम है। और ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि डिस्क प्रॉब्लम से रिलेटेड हों, कई बार स्पाइनल ट्यूमर्स में भी ये प्रॉब्लम आती है, कई बार डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सो जब भी कोई सिम्टम आए उसे इग्नोर ना करें और उसका चेकअप जल्द से जल्द कराइए। थैंक यू।